दोस्तों निफ्टी मंथली इंडेक्सेस व्यू में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आइए हर महीने की तरह आज फिर हम ये जानने का प्रयास करें निफ्टी की इस महीने की चाल क्या रह सकती है, हम क्या उम्मीद करें और हमारी रणनीति लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करें। दोस्तों आज हम तीनों चीज देखेंगे, पिछले महीने यानी कि मई में हमने क्या डिस्कस किया था, मई में क्या हुआ और अब जोश जून में हम निफ्टी से क्या उम्मीद करें। तो तीनों पार्ट पे हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, साथ में और हम इंडेक्सेस भी आज बात करेंगे। दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ये सारे अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। दोस्तों हमने मार्वलस मे में क्या डिस्कस किया था, निफ्टी कितना था, 18,065। दोस्तों हमने डिसाइड किया था कि हम ये महीना 18,252 जो कि क्वार्टरली हाई था उसे हम क्लोजली ट्रैक करेंगे, क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर हमने नया हाई नहीं लगाया था। तो ये क्वार्टर में ये देखना जरूरी था कि क्या हम 18,252 को पार करने में सक्षम रहते हैं कि नहीं। दोस्तों हमने दो लेवल डिसाइड किए थे जिसे हम मंथली ट्रैक करेंगे क्लोजली, 18,252 जो कि क्वार्टरली हाई था और 17,312 जो कि प्रीवियस मंथ का लो था। क्यों दोस्तों द पॉजिटिव बायस जो हमने पिछले महीने देखी थी ये दूसरे महीने भी कंटिन्यू रह सकती थी अगर हम 18,252 पार करने में सक्षम रहते हैं तो। 18,332 सेकंड टारगेट एंड थर्ड जो कि लाइफ टाइम हाई लेवल हो सकता है 19,108। यस दोस्तों 19,000। दोस्तों ओवरऑल रिकवरी 19,000 नहीं बल्कि 19,638 तक की हम एक्सपेक्ट करते हैं जो कि हमारा पुराना एक्सटेंशन का टारगेट है। तो इस दौर में ये आपका टारगेट दोस्तों पूरा हो सकता है, पर कब, 18,252 पार करता है तो। पर दोस्तों अगर निफ्टी 18,252 पार नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें नेगेटिव हो जाना है। अगर पार करने में सक्षम नहीं होता है ये महीना तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ। अगर पार नहीं करता है तो हम उम्मीद करेंगे बाजार रेंज बाउंड मोड में कुछ समय रह सकता है, ना हम नया हाई लगाए ना हम नया लो लगाए। कौन से केस में, अगर 18,252 पार नहीं किया तो। जी हाँ दोस्तों ये बाजार है, अगर कुछ पॉजिटिव इनपुट होते हैं बाजार के लिए ट्रिगर करता है पॉजिटिव और नेगेटिव इनपुट, नेगेटिव भी ट्रिगर कर सकते हैं तो हमें हमेशा नेगेटिव भी ध्यान में रखना पड़ेगा। दोस्तों ये तो हमने पॉजिटिव बात की 19,638 की ओर, लेकिन दोस्तों बाजार नेगेटिव ट्रेंड में तो ही एंटर हो सकता है अगर बाजार 17,312 जो कि प्रीवियस मंथ का लो था उसके नीचे ट्रेड करता है तो। जब तक दोस्तों बाजार 17,300 के ऊपर है तब तक नेगेटिव होने के प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने बताया दोनों लेवल ट्रैक करेंगे, लोअर लेवल पे 17,312, अपर लेवल पे 18,252, जिसे पार करने पे बढ़िया तेजी आ सकती है, पार नहीं करने पे रेंज बाउंड मोड रह सकता है। दिस वॉज अवर डिस्कशन लास्ट मंथ। अब दोस्तों हम देखेंगे असल में मार्वलस मे में क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों अपने नियम नहीं भूलने के कि रिकवरी होती है तो अच्छी बात है, पर बाजार अगर नेगेटिव होता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी और मिलती है हमें इंडियन मार्केट में। अब दोस्तों मार्वलस मे में हमने देखा निफ्टी किधर आ गया दोस्तों, 18,534। सो फ्रेंड्स एज डिस्कस लास्ट मंथ जैसा हमने डिस्कस किया था बाजार क्वार्टरली हाई को पार करने में सक्षम रहा 18,252 को पार करते ही हमने हमारा पहला टारगेट दूसरे वीक में क्लियर होता देखा एंड दैट वाज 18,332। एज एक्सपेक्टेड बाजार 18,252 पे काफी समय स्ट्रगल में रहा, हमने मिड मंथ पूरा वही स्ट्रगलिंग जगह पे बिताया क्योंकि दोस्तों प्रीवियस क्वार्टर में हमने हाई नहीं लगाया था तो ये महीना थोड़ा स्ट्रगल तो वहां पे बनता था। लेकिन दोस्तों बाजार के क्लोजिंग के आखिरी तीन दिन में निफ्टी सेकंड एस्टिमेटेड टारगेट 18,598 पे आया और क्लोजिंग कहां हुआ, 18,534। जी हाँ दोस्तों चार महीने के फॉल के बाद हम ये दूसरा महीना हमने देखा जहां बाजार ने हायर हाई हायर लो और हायर क्लोज इवन अबाउ क्वार्टरली हाई
लगाया। यस दोस्तों, हमने दूसरे महीने कंटिन्यू रिकवरी देखी। दोस्तों चार महीने के फॉल में हमने 2056 पॉइंट की गिरावट देखी थी, लेकिन जब रिकवरी का समय आया दोस्तों, हमसे दो महीने में 2060 में से 1835 पॉइंट ऑलरेडी रिकवर हो गए। ये बताता है कि फॉल से रिकवरी तेज है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये चार और दो महीने का खाली एक रेंज नहीं था। पिछले 19 महीने से दोस्तों बाजार करेक्शन मोड में था। लास्ट 19 मंथ में हमने ऑलरेडी 3422 पॉइंट्स की गिरावट तो दोस्तों देखी है। हम ये कह सकते हैं कि बाजार 19 महीने से करेक्शन मोड में है। हालांकि हम मेजोरिटी ऑफ द फॉल कवर कर चुके हैं। तो अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव पे हम आते हैं, जोश जून में हम क्या उम्मीद करें। निफ्टी कितना है दोस्तों? 18534। तो आगे क्या? तो अब दोस्तों हम कौन सा लेवल ट्रैक करेंगे? दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल टू ट्रैक इस महीना हो सकता है 18042। व्हाई 18042 दोस्तों? अगेन हम हायर लो लगा रहे हैं, हमें हैबिट नहीं है लोअर लो की। तो प्रीवियस मंथ का लो ट्रैक करना चाहिए। 18042 के ऊपर है तब तक तेजी कंटिन्यू उम्मीद दोस्तों करनी चाहिए। जहां दोस्तों हम ये तीसरा महीना देख सकते हैं जहां पे बाजार थर्ड मंथ इन द रो रिकवरी करे, और पहला टारगेट हमारा ये महीने का रहना चाहिए 18784। दोस्तों 18784 इज अवर फर्स्ट टारगेट फॉर जोश जून। यस दोस्तों 18784 रिकवरी का एक नया हाई होगा। दोस्तों 18888 वो लेवल है जिधर से हम चार महीने में 2000 पॉइंट कट हो गए थे। तो 18088 के करीब जब बाजार जाएगा तो वहां पे जरूर रेजिस्टेंस महसूस करेंगे। यस दोस्तों 18888 एक लेवल रहना चाहिए जहां थोड़ा रेजिस्टेंस मिले। पर अगर दोस्तों बाजार 18888 को भी पार करता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, छह महीने का रेजिस्टेंस है राइट, पर फिर भी हमें ट्रैक रखना होगा। अगर 18888 पार करते हैं तो दोस्तों दूसरे टारगेट की ओर निफ्टी जाएगा, और वो है 19034। एंड माइंड ब्लोइंग, दिस इज लाइफ टाइम हाई लेवल फॉर निफ्टी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, पिछले 19 महीने से जो आप करेक्शन में इकट्ठा कर रहे थे, एसआईपी कर रहे थे, जो लोगों ने एसआईपी में इकट्ठा किया, फॉल में दोस्तों बाय किया, उन लोगों के लिए ये बड़ा ही गुड न्यूज रह सकता है राइट दोस्तों। लेकिन 19034 कोई ब्रेक नहीं है। उसके आगे थर्ड टारगेट 19405 भी हम उम्मीद करेंगे, पर ये सब चीज कब? जब 18888 को पार करते हैं तब। इस दौरान दोस्तों 19638 का जो आपका पुराना टारगेट है, पुराना यानी कब का? 2015 का, जब बाजार खाली 6500 हुआ करता था, तो वो 6500 से बाजार 19638 का जो एक्सटेंशन का टारगेट है वो क्लियर होने का समय दोस्तों आ चुका है। हम कुछ ही समय में 19638 का टारगेट क्लियर होते देखेंगे, जहां पे हमें 5% प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों करना चाहिए। अब दोस्तों ये तो सब बातें हो गई अच्छी, लेकिन दोनों चीज ध्यान में रखें। दोस्तों पॉजिटिव बातें हुई 19638 के टारगेट की, लेकिन नेगेटिव भी तो हो सकता है राइट। तो नेगेटिव ट्रेंड बाजार में तभी एंटर हो सकता है अगर हम 18042 को ब्रेक करके नीचे आते हैं। 18042 के नीचे दोस्तों नेगेटिव ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है दो तीन महीने के लिए। 18042 के ऊपर है जो आपने टारगेट उम्मीद किए, वो टारगेट आप कोई डाउट नहीं है उम्मीद दोस्तों कर सकते हो। एनीवे दोस्तों इस केस में 19 महीने का करेक्शन आपका खत्म हो जाएगा, और आपने जो एसआईपी की वो दोस्तों याद रहेगी राइट। कभी भी ये चीज को भूलने का नहीं। ऐसा देश जहां की इकोनॉमी ग्रो कर रही हो वहां पे दोस्तों फॉल में जरूर दोस्तों बाय करना चाहिए। अब दोस्तों हम कुछ ब्रॉडर इंडाइसेस और सेक्टर देख लेते हैं कि अगर निफ्टी पॉजिटिव रहता है तो ज्यादा पॉजिटिव कौन रह सकते हैं, निफ्टी नेगेटिव रहता है तो ज्यादा नेगेटिव कौन होंगे राइट। अभी इस केस में दोस्तों नेगेटिव इंडाइसेस नजर नहीं आ रहे क्योंकि बाजार रिकवरी में है,
तो मेजोरिटी इंडाइसेस पॉजिटिव रहेंगे, राइट। इसमें बाजार को आउट परफॉर्म कौन से इंडाइसेस करेंगे दोस्तों? निफ्टी 50 के साथ निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500 बाजार को आउट परफॉर्म दोस्तों कर सकता है। साथ ही में दोस्तों मिड कैप स्मॉल कैप भी बाजार को आउट परफॉर्म करेंगे। निफ्टी बैंक, यस आपका बैंक निफ्टी भी आउट परफॉर्म करेगा, इनफैक्ट उसने लाइफ टाइम हाई तो ऑलरेडी लगा दिया है। यस आपके जो ग्रोइंग सेक्टर्स है ऑटो कंजप्शन, वहां पे भी हम नए लाइफ टाइम हाई देखेंगे। डिविडेंड अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल सर्विस, ये इंडेक्सेस भी दोस्तों पॉजिटिव रह सकते हैं। FMCG, इंफ्रा और निफ्टी आईटी जो कि नेगेटिव था, निफ्टी आईटी में भी हम रिकवरी उम्मीद कर सकते हैं। मेटल MNC ग्रोथ 15, दिस ऑल आर ऑल्सो पॉजिटिव। क्वालिटी इंडाइसिस फार्मा, PFC, प्राइवेट बैंक, रियल्टी और सर्विस सेक्टर। तो आपने देखा मेजोरिटी सेक्टर, देखो बाजार पॉजिटिव रहता है तो ज्यादातर सेक्टर पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देते हैं। दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे सेक्टर भी दिए हैं जो ये महीना नहीं ओवरऑल आने वाला पूरा ट्रेंड में दोस्तों निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे कम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो चलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। गिरावट में यहाँ पे पहला बाइंग करना चाहिए। ऐसे कौन से इंडेक्स है? तो दोस्तों ये आपके तीनों इंडेक्स जहाँ पे जबरदस्त ग्रोथ है, निफ्टी बैंक, ऑटो और आपका कंजप्शन, फिर CPSE, डिविडेंड अपॉर्चुनिटी, FMCG, MNC ग्रोथ 50, क्वालिटी 30, PSE और प्राइवेट बैंक। ये सारे वो इंडेक्स है जो आने वाले ट्रेंड में भी, एक महीना नहीं पूरे ट्रेंड में दोस्तों बाजार को आउट परफॉर्म करने की पूरी प्रोबेबिलिटी रखते हैं। अब कुछ इंडेक्स ऐसे भी होंगे जो बाजार जैसा रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब वो ना बाजार से ज्यादा चलेंगे ना कम चलेंगे, राइट, बाजार के जैसे बिटा वाले, वो कौन से इंडेक्स है? अब दोस्तों ऑब्वियस है निफ्टी 100, 200, 500, क्योंकि इसमें बड़ा अंश तो खुद निफ्टी 50 का होता है, राइट। तो ये तीनों इंडेक्स निफ्टी 50 जैसा परफॉर्म करेंगे। मिड कैप निफ्टी जैसा परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रा और वैल्यू 20, ये सब दोस्तों निफ्टी जैसा परफॉर्म करेंगे। अब कुछ इंडेक्सेस ऐसे देखते हैं जो निफ्टी को अंडर परफॉर्म करेंगे, मतलब अगर मुझे कैश पे आना है थोड़ा तो पूरा जो बाजार की तेजी है उसमें मैं प्रॉफिट बुक किधर करूं, वो इन इंडेक्स में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। वो कौन से है दोस्तों? नेक्स्ट 50। अब जानते ही हो निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50, निफ्टी 50 यानी टॉप 50, नेक्स्ट 50 यानी उनके बाद की 50, पर दोनों के मार्जिन में बड़ा डिफरेंस होता है, राइट। तो नेक्स्ट 50 निफ्टी 50 को अंडर परफॉर्म करे ऐसा लगता है। देन कॉमोडिटीज एंड एनर्जी, ये थोड़े साइक्लिकल होते हैं। निफ्टी आईटी जो बाहर से ज्यादा धंधा लाते हैं वहां पे अंडर परफॉर्मेंस दिख सकता है। निफ्टी मीडिया, ये तो पुराना अंडर परफॉर्मर है। निफ्टी मेटल, अगेन साइक्लिक। फार्मा, PSU बैंक, रियल्टी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, यहाँ पे हम थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देख। अब दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं निफ्टी बैंक कितना है अभी, 44218। निफ्टी बैंक में दोस्तों 42580 ट्रैक करने का, 42580 के ऊपर है आप नए लाइफ टाइम हाई की दोस्तों उम्मीद कर सकते हो। कितना? 47374 हमारा पिछले साल का टारगेट है, तो 47374 होगा आपका टारगेट। नाउ नेगेटिव ट्रेंड में दोस्तों निफ्टी बैंक कब एंटर कर सकता है? अगर 42582 के नीचे गिरता है तभी नेगेटिव होने का, ये लेवल के ऊपर है मतलब आप नया लाइफ टाइम हाई उम्मीद करने चाहिए। दोस्तों USD क्रूड और बिटकॉइन के लेवल ऑलरेडी हमने वेबसाइट पे अपडेट कर दिए हैं, आप इसी डॉक्यूमेंट में डिटेल में देख सकते हो, अलोंग विथ रिफाइंड गोल्ड फ्यूचर यानी गोल्ड में अगर हम निवेश करते हैं तो उसके भी लेवल आपको डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे। दोस्तों लेटेस्ट GDP डेटा है और आपने देखा होगा कि भारत के GDP डेटा दुनिया भर की मेजर इकोनॉमी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। 7.2% हमने लास्ट ईयर ग्रोथ किया है, तो दिस इज अमेजिंग ग्रोथ। और इसी वजह से हमारा इंडेक्स, भारत का इंडेक्स, बाकी सारे देश को दोस्तों आउट परफॉर्म कर रहा है। अब दोस्तों आइए कुछ फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। 2022 में दोस्तों निफ्टी फुल फ्लेज बुलिश था, उसका बहुत बड़ा कारण था दोस्तों आपकी निफ्टी 50 की कंपनियों की अर्निंग, रेवेन्यू ग्रोथ 26% था और प्रॉफिट ग्रोथ 50% का था, इसीलिए बाजार को हाई वैल्यूएशंस मिलते थे। दोस्तों 50% इसलिए था क्योंकि उस समय निफ्टी की कंपनियों के मार्जिन 11% थे, पर फिर क्या आया दोस्तों? फिर इन्फ्लेशन आया।
इन्फ्लेशन में प्रॉफिट तो टूटे ही पर साथ में स्पेंडिंग भी दोस्तों कम होता है, तो उसकी इफेक्ट आपके रेवेन्यू ग्रोथ पे आई। इस साल यानी फाइनेंशियल ईयर 23 में निफ्टी 50 की कंपनियों का सेल्स ग्रोथ 21% रहा, थोड़ा कम, पर दोस्तों प्रॉफिट जबरदस्त टूटे। जो लास्ट ईयर 50% से प्रॉफिट बढ़े थे, इस साल खाली 6% से प्रॉफिट दोस्तों आपके बढ़े, और यही चीज आपको बाजार में करेक्शन के रूप में दोस्तों देखने को मिले। क्यों? क्योंकि आपके मार्जिन 11% के दोस्तों 9% आ चुके थे। अब हम दोस्तों नए साल में एंटर हो चुके हैं, नए साल में थोड़ा और कूल ऑफ सेल्स में दिख सकता है, तो 21% का सेल्स ग्रोथ हो सकता है हमें 15% ग्रोथ पे दिखे, तो दिस इज नेगेटिव। लेकिन उसके सामने मार्जिन इंप्रूव होते दिखेंगे इन्फ्लेशन कम होने की वजह से, जो हमें बूस्ट करेगा प्रॉफिट में। कैसे? पिछले साल आपके प्रॉफिट धराशायी हुए थे, 6% ग्रोथ खाली आया था। इस साल दोस्तों रेडी हो जाओ, आपकी निफ्टी 50 के प्रॉफिट 21% दोस्तों बढ़ सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन मार्जिन, राइट फ्रेंड्स? तो डिविडेंड इन्वेस्टर के लिए गुड न्यूज है, ये साल आप 21% ज्यादा डिविडेंड पाओगे। पी दोस्तों अभी कितना है? दोस्तों निफ्टी 21.6 पी पे है, फेयर वैल्यूएशन ही हम इसे कहेंगे दोस्तों। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.33 है और डिविडेंड यील्ड 1.5% बनती है। दोस्तों निफ्टी डिविडेंड पॉइंट्स में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे हर साल और साल आपके डिविडेंड बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों पिछले दशक में हमने 10% से डिविडेंड्स को हर साल बढ़ते हुए देखा है। कुछ साल कम बढ़ेंगे, कुछ साल ज्यादा बढ़ेंगे। पिछले साल कैसा? खाली 6% से आपका डिविडेंड बढ़ा, ये साल 21% से बढ़ेगा, तो एवरेज तो दोस्तों वापस 10% आ जाती है, राइट? तो 10% से डिविडेंड हमारा दोस्तों निफ्टी की कंपनियों में ग्रो हो रहा है। दोस्तों इन डेटा के आधार पे हमारी फेयर वैल्यू निफ्टी की कितनी बनती है? सबसे पहले दोस्तों फेयर वैल्यू निफ्टी के देखने में जीडीपी देखा जाता है, क्योंकि उसका ग्रोथ हमें निफ्टी की कंपनियों में ग्रोथ देता है। दोस्तों हम ये साल 6% का ग्रोथ की उम्मीद करके 3.7 trillion का जीडीपी भारत में उम्मीद करेंगे। दोस्तों आपका जो ईपीएस है वो 21% बढ़ के 1027 दोस्तों आएगा। अब दोस्तों सीधी बात है, 1000 के ईपीएस पे आप 21 का फेयर पी गिन के देख लो, 21,000 का दोस्तों आपका फेयर पी बनता है। पैग रेशियो चेक कर लो, लास्ट ईयर का सेल्स ग्रोथ 21% था, प्रॉफिट घटिया था खाली 6%, इसीलिए पी आपका नीचे आया था। पर अब 2024 में आपकी एंट्री हो चुकी है और इन्फ्लेशन को हमने क्वार्टर फोर में घटता देखा है। ऐसे ही इन्फ्लेशन अगर अपने साथ रहता है, बरसात अच्छी होती है, मॉनसून अपनी तरफ रहता है, तो दोस्तों जरूर इस बार 15% के सेल ग्रोथ देखेंगे, 21% से प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, और 21 का पी तो चल रहा है, तो पैग रेशियो आपका 1.1 के आसपास ही दोस्तों है। तो कोई डाउट नहीं है दोस्तों, फेयर वैल्यूएशन पे ही हम निफ्टी को दोस्तों अभी भी देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है जो आज हमने निफ्टी के बारे में डिस्कस किया, ये आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ में जरूर दोस्तों काम लग सकता है। इसी प्रकार से दोस्तों अपडेट चाहते हो, सब्सक्राइब कर दो चैनल और मुझे कमेंट नीचे जरूर कीजिएगा कि आप निफ्टी से क्या उम्मीद करते हो। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद दोस्तों। डिस्क्लोजर: This update is for education purpose. We are not tip provider.